पिछले 4 दिनों में नर्मदा का जलस्तर 7 मीटर तक बढ़ गया है, जिसके चलते अचानक प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां राजघाट टापू बन चुका है, वहीं दूसरी ओर डूब प्रभावित अभी भी वहीं डटे हैं। बड़वानी बढ़ते नर्मदा के जलस्तर के बीच कलेक्टर पहुंचे राजघाट। बोट में पहुंचकर राजघाट और आसपास के क्षेत्र का किया निरीक्षण, साथ में कई अधिकारी रहे मौजूद। कलेक्टर के मुताबिक फिलहाल पानी का केवल 130 मीटर के आसपास है और वो ये देखने आए हैं कि यहाँ आसपास कहीं डूब प्रभावित लोग तो नहीं हैं, साथ ही ये कुछ समस्या तो नहीं है। एक ओर जहां कलेक्टर वोट से घूमते नजर आए, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने मोबाइल से वीडियो बनाते भी नजर आए। अगर बात नर्मदा के जलस्तर की करें तो पिछले 4 दिनों में 7 मीटर का जलस्तर बढ़ा है, जिसके चलते राजघाट पूरी तरह टापू बन गया है। राजघाट पुल पूरी तरह डूब चुका है, वहीं दत्त मंदिर लगभग आधा डूब चुका है। प्रशासन द्वारा डूब प्रभावितों को हटाने के लिए प्रयास जारी है और अब उनसे बातचीत की जा रही है। वहीं डूब प्रभावित संपूर्ण पुनर्वास और मुआवजा नहीं मिलने की बात को लेकर अड़े हैं और हटने को तैयार नहीं। आज मैं ये अपना जो नर्मदा का राजघाट है, इधर पानी का लेवल देखने आया था, तो लगभग 130 मीटर से अधिक लेवल यहाँ पर है और इस पानी के आसपास में कोई लोग प्रभावित तो नहीं है और कोई समस्या तो नहीं देखने के लिए आया हूँ। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से सचिन राठौड़ की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।